हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वी आर टुगेदर। दोबारा हम मिल रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। पहले वाली इस चैप्टर की वीडियोस भी आपने देखी होंगी, उनको भी शेयर लाइक सब्सक्राइब किया होगा। जरा जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, बट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी दैट इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक लाइगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। सो टू अंडरस्टैंड द वीबीटी व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीएफटी। सीएफटी में एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो यहां बॉन्डिंग को समझने के लिए हमने कहा NH3CN एंड COR आर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड एज फार एज ट्वेल्थ सिलेबस पार्ट इज कंसर्न, और जो बाकी बचे लाइगेंड वो सब वीक लाइगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की प्रेजेंस में डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और वीक लाइगेंड की प्रेजेंस में पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। डायमैग्नेटिक मींस व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन द कॉम्प्लेक्स, और पैरामैग्नेटिक मतलब कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में होना ही चाहिए। हम यहां बॉन्डिंग होमोलॉक्टिक कॉम्प्लेक्सेस की देख रहे हैं। दैट मीन ओनली वन काइंड ऑफ लाइगेंड इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। इससे पहली वाली वीडियो में हमने NiCl(HCl)-2 का बॉन्डिंग देखा था, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन DSP2 था और स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री थी। वहां हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया था पिछली वीडियो में कि हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद ईच अदर, दे एक्सचेंज देयर कैरेक्टर एंड एनर्जी एंड फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड देन आफ्टर द लाइगेंड विल डू द बॉन्डिंग विद मैटर। और सिंपल वर्ड में बात करें तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जा रहे हैं ना, उनको लिख दो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेरा 11th क्लास का वीडियो भी देख सकते हैं। देर आर 2-3 वीडियोस, देर आर सम ट्रिक्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वीडियो, यू मस्ट सी इट। नाउ टुडे वी विल बिगिन विथ NiCl(HCl)-2। पहला स्टेप, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कॉन्फिगरेशन ऑफ निकल इज 3D8 4S2, +2 में हो जाएगा 3D8। ये हमने 3D8 कॉन्फिगरेशन लिखा। 4S एंड 4P विल बी वेकेंट, 4S एंड 4P विल बी वेकेंट, ये वेकेंट है पहले। Cl एक वीक लाइगेंड है तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका मतलब इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम एज इट इज छोड़ देंगे, इसीलिए कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बन पाएगा। देन आफ्टर 4Cl विल डोनेट 4 लोन पेयर, 1 इन sp एंड 3, 1 इन s एंड 3 इन p, सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इन दिस वे वी कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन में। नाउ वी विल डू द बॉन्डिंग इन टेट्राकार्बोनाइल निकल, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 0। ध्यान रखेंगे CO स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो जब हम निकल का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 3D8 4S2, तो 4s के दो इलेक्ट्रॉन 3d के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देंगे। देखिए इन दिस वे
Now there are four ligand, so four CO will donate four lone pair of electron. कहां का इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? एक s में और तीन p में. So the hybridization is sp3. Tetrahedral will be the geometry. sp3 में tetrahedral ही आता है हमेशा. Next is with coordination number 6. Cobalt is having coordination number 6 as number of donor sites are 6 by 6 amines. पहला स्टेप वही कोबाल्ट का कॉन्फिगरेशन. ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की प्लस 3 है तो प्लस 3 में कॉन्फिगरेशन हुआ 3d6. NS3 स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो 3d6 के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे. दिस इलेक्ट्रॉन विल पेयर द फर्स्ट वन एंड सेकेंड विल पेयर द नेक्स्ट वन. अब हमारे पास 6 ऑर्बिटल खाली हो गए, 2 डी में, 1 एस में और 3 पी में. सो द हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ एंड ऑक्टाहेड्रल विल बी द ज्योमेट्री. स्क्वायर ब्रैकेट और प्लस चार्ज लगा दें. स्क्वायर ब्रैकेट ज्योमेट्री में हमेशा लगाएं, चार्ज हमेशा शो करें, कॉम्प्लेक्सेस ऐसे ही लिखे जाते हैं. वन अनादर कॉम्प्लेक्स इज हेक्सा फ्लोराइडो फेरेट थर्ड आयन. Fe प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. Fe का कॉन्फिगरेशन 3d6 4s2, प्लस 3 में 3d5 हो जाएगा. बिकॉज F इज वीक ligand, तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होंगे तो ये 5 अनपेयर्ड एज इट इज रहने देंगे, इनको टच नहीं करेंगे, तभी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बनेगा. एंड 6 फ्लोरीन विल डोनेट 6 लोन पेयर इन एस 3p एंड 2d. सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी लेफ्ट टू राइट काउंट करिए एस पी 3 पी 2 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्टाहेड्रल. नाउ हियर I will request you to share, like and subscribe the video. उसके बाद एक exceptional case discuss करेंगे. Yes, subscribe it. किया? Okay. Cupra ammonium ion के discussion करेंगे. CuNH3 whole 4 plus 2. Copper यहां 3d10 4s1 रखेगा configuration. Plus 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे 3d9 हो जाएगा. 3d9 कॉन्फिगरेशन ये बताता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सो द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक. बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सरे ये बताती है कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है. लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा. अगर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यही रहने दें तो, लेकिन sp3 में तो फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए. अगर प्रैक्टिकली स्क्वायर प्लेनर है, एक्सरे के हिसाब से स्क्वायर प्लेनर है, तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होना चाहिए. तो थ्योरेटिकली हमने ये मान लिया कि 3d का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4p में पहुंच जाता है और 1d हो जाएगा वेकेंट और लाइगेंड्स डोनेट करेंगे लोन पेयर 1d में, 1s में और 2p में. तो पैरामैग्नेटिज्म मेंटेन हुआ, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई और थ्योरेटिकल डाटा प्रैक्टिकल डाटा से मैच कर गया. तो d का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? 4p में. As a result, the hybridization will come dsp2. आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. अगली वीडियो में हम CFT की बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे.
आप उसे भी जरूर देखें।